पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, यानी दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है ना। इस दिन को मनाने का एक बड़ा मकसद दूसरों लोगों को ब्लड डोनेट के प्रति जागरूक करना भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को करने के लिए आगे आए। अब ब्लड डोनेट डे है तो इसकी इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर, इसकी थीम है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, अजीत डोभाल। ये हैं अजीत डोभाल, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अजीत डोभाल को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें तीसरी बार NSA नियुक्त किया है। ये लगातार तीसरी बार है जो अजीत डोभाल को NSA नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल जो है 31 मई 2014 को पहली बार NSA बने थे। इसके बाद 2019 में डोभाल का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अजीत डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं, 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में शामिल हुए थे। अजीत डोभाल को वीरता के लिए 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। वे भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। देश में NSA पद की स्थापना 1998 में की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ब्रजेश मिश्रा पहले NSA बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, अपना देश भारत। भारत जो है विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक गर्म करती है। वर्ष 2020 में ऐसी वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जनों में लगभग 11% भारत से था तथा 16% चीन से था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है, ठीक है ना। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बना है जम्मू कश्मीर। ये भी आपको याद रखना कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी कौन बना है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है यहाँ की कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की आदि केकीर यानी अदरक हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वाचो शिल्प को GI टैग भी मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र और किस देश के
ने मिलकर चंग ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, बहरीन देश और मिस्र देश ने मिलकर। अब बात है बहरीन की, तो ये है मैप में बहरीन, ठीक है ना। बहरीन की कैपिटल क्या होगी, बहरीन की कैपिटल होगी मनामा। बहरीन की कैपिटल होगी, करेंसी क्या होगी, बहरानी दिनार। किंग कौन है, हामिद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के जो है किंग है। अब बात है मिस्र की, तो मिस्र की, मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट, ठीक है ना। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है, इजिप्टियन पाउंड। और प्रेसिडेंट कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव भी बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीके मिश्रा, बी ऑप्शन राइट होगा। ये हैं पीके मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। पीके मिश्रा उड़ीसा केडर के 1972 बैच के, 1972 यानी 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2019 में पीके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। पीके मिश्रा ने 2001 से 4 तक नरेंद्र मोदी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम किया है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे पीएम में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। 2019 में उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सशास्कवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पीके मिश्रा का जन्म 11 अगस्त 1948 को उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, गुड़ाकेश मोती और चमारी अथा पशु को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जोमैटो ने कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, मुंबई में जोमैटो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वैसे तो जोमैटो फुल फूड डिलीवरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों वह एक खास वजह से चर्चा में है। जोमैटो ने मुंबई में एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने एक ही जगह पर 4300 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को ट्रेनिंग देकर एक ही जगह पर सबसे बड़ा प्राथमिक उपचार सीखने का सेशन आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, दिव्या देशमुख। ये हैं दिव्या देशमुख जिन्होंने जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती हैं। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती। 18 वर्षीय नागपुर की लड़की और महिला शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने फाइड अंडर 20 लड़कियों की विश्व चैंपियनशिप जीती है। पुरुष वर्ग में कजाकिस्तान के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोबरेक ने विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मेला आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, काठमांडू में, ठीक है ना। यह कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्ड और अन्य संघ के सहयोगों से काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 14 से 15 जून 2024 के प्रकृति मंडप प्रदर्शनी हॉल में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, भोपाल होगी यहाँ की कैपिटल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा राज्य के 8 शहरों भोपाल इंदौर जबलपुर रीवा उज्जैन ग्वालियर सिंगलौरी और खजुराहो को जोड़ेगी। खजुराहो में देश का पहला नागरिक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल भी शुरू हो गया है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में देश की पहली
स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्टेट प्रसादम का भी उद्घाटन किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, अमेरिका के साथ, ठीक है ना। अब बात है अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका, ठीक है ना, ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो जो बाइडन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी की बात करेंगे तो US डॉलर यहाँ की करेंसी है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका भी शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA टॉप पर रहा है, ठीक है ना। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी कहाँ हुआ है, मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, आइसलैंड। आइसलैंड जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है। अब बात है आइसलैंड की, तो ये है मैप में आइसलैंड, कहाँ मैप में, ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रैकयाविक यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है, आइसलैंड क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जिल हिल्मर हार्डे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी आर अश्विन, ऑप्शन सी विराट कोहली या ऑप्शन डी युवराज सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।